जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हो तो इस बार सेना की तरफ से बहुत बड़ा बदलाव सेना भर्ती में कर दिया गया। इसको देखते हुए एक नई सेना रैली भर्ती आपकी आ चुकी है। तो कौन कौन से राज्यों की वो सेना रैली भर्ती इस बार आ चुकी है, यहाँ पर आपकी जून जुलाई में ये भर्ती होने वाली है। तो सरकार का जो नया नियम लागू हो जाता है तो उसके बाद में आपकी भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या बड़े चेंजेस किए जाएंगे सेना की तरफ से, इसको देखते हैं हम। सारी जानकारी आपको स्टूडियो में प्रोवाइड करवाने वाले दोस्तों। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला, और इसी प्रकार सेना की रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सेना भर्ती से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। साथ में दोस्तों, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हो वो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा हमारे पास में, ताकि हम आपके राज्य की भी कोई भी रैली भर्ती आए तो उसकी जानकारी हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाते रहे। चाहे वो इंडियन आर्मी हो फिर या टेरिटोरियल आर्मी हो, उससे रिलेटेड अपडेट आप तो सबसे पहले पहुंचाते रहे। साथ में दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में अपनी एज कितनी हो चुकी है वो जरूर कमेंट करें, ताकि यहाँ पर टीए आर्मी में आपको मौका दिया जाएगा 3 साल के लिए, जिनकी एज 18 साल से 42 वर्ष हो चुकी है। और जो इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं जिनकी एज 23 वर्ष तक है, वो इंडियन आर्मी में भी जा सकते हैं। साथ में दोस्तों, यहाँ पर अगर आप ऑफिसर्स रैंक पर जाना चाहते हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, यहाँ पर आपको ऑफिसर्स रैंक पे भी भेजा जाएगा 3 साल के लिए। अगर आपकी एज 30 साल तक है तो आप ऑफिसर्स भी जा सकते हो। अगर आपकी आप में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप ग्रेजुएट हो, बीए, बीएससी, एमएससी कुछ भी अगर आप है तो आप यहाँ पर ऑफिसर्स रैंक पे भी जा सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं, जो नई सेना रैली भर्ती है वो कौन कौन से राज्यों की है, कब आपकी रैली भर्ती होगी, कब से ऑनलाइन फॉर्म होंगे, ये सारी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हो आज तक में ये न्यूज पब्लिश हुई, इंडियन आर्मी रैली 2020, इंडियन आर्मी में वैकेंसी 8वीं से 12वीं पास तक कर सकते हैं अप्लाई। जी हां दोस्तों, 8वीं से लेकर 12वीं तक के सभी अभ्यर्थी से अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, क्योंकि 8th पास हो तो आप ट्रेड्समैन में जा सकते हो, अगर आप 10th पास हो तो आप सोल्जर जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आप 12th पास हो तो आप नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी क्लर्क है, आर्मी जो टेक्निकल है उसमें यहाँ पर आप जा सकते हो। यहाँ पर पूरी बात करें तो दोस्तों, आप देख सकते हो इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट रैली 2020, इंडियन आर्मी ने अलग अलग 7 अलग अलग पदों पर भर्ती निकाली। इसके लिए आपके 8वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। इस बार 8वीं पास जो उम्मीदवार है वो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दरअसल इंडियन आर्मी 2 राज्यों में भर्ती के लिए आर्मी रैली का आयोजन करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, 2 राज्यों में आपकी आर्मी रैली का आयोजन करने जा रही है। इसमें रैली का आयोजन हरियाणा के रेवाड़ी में होगा, और दूसरी आपकी रैली का आयोजन होगा वो होगा लद्दाख के कारगिल में। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों भर्ती होगी, जिसमें एक भर्ती आपके हरियाणा के रेवाड़ी में आयोजित की जाएगी, जबकि दूसरी भर्ती है वो आपके लद्दाख के कारगिल में आपकी भर्ती है वो आयोजित की जाएगी। पूरी जानकारी की बात करें दोस्तों, इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट 2020, इंडियन आर्मी ने 7 अलग अलग पदों पर भर्ती निकाली। इसके लिए 8वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। दरअसल इंडियन आर्मी 2 राज्यों की भर्ती के लिए आर्मी रैली का आयोजन करने जा रही है। इसमें रैली का आयोजन हरियाणा के रेवाड़ी में होगा, और दूसरी रैली का आयोजन लद्दाख के कारगिल में होगा। हरियाणा में होने वाली रैली के लिए योग्य व इच्छुक उम्मीदवार 15 जून तक इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी हरियाणा में रैली भर्ती देखना चाहते हो तो 15 जून तक आप इस वैकेंसी का फॉर्म है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियली साइट पे जाके इस आर्मी रिक्रूटमेंट रैली का आयोजन हरियाणा के रेवाड़ी में बने राव तुलाराम स्टेडियम में किया जाएगा। वही रैली आयोजन 1 जुलाई से लेकर 14 जुलाई 2020 के बीच में आपकी ये रैली होने वाली है। आप देख सकते हो लॉकडाउन के बाद की ये पहली रैली भर्ती है। उसके बाद में कारगिल में जो होने वाली रैली के लिए उम्मीदवार 10 जून तक फॉर्म है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कारगिल के आर्मी हेलीपैड ग्राउंड पर 26 जून से लेकर आपके 30 जून तक ये रैली भर्ती का आयोजन किया जाएगा। अगर दोस्तों आप भी रैली भर्ती देखना चाहते हो तो आप कारगिल वाली रैली भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 10 जून तक आप इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो, और ये आपकी भर्ती होगी ये होगी कारगिल के जो आर्मी हेलीपैड ग्राउंड है वहाँ पर 26 जून से लेकर 30 जून तक ये रैली भर्ती आयोजित की जाएगी। दोनों राज्यों में होने वाली आर्मी रैली भर्ती के तहत सभी पदों के लिए अलग अलग योग्यता निर्धारित की गई। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग योग्यता निर्धारित की गई। अगर बात करें तो आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक इस वैकेंसी के लिए 8वीं, 10वीं और 12वीं पास है वो आवेदन कर सकते हैं। कारगिल में आपके इन पदों के लिए होगी भर्ती। कारगिल में कौन से पदों पर आपकी भर्ती होने वाली,
तो यहाँ पर दोस्तों देखिए सोल्जर जनरल ड्यूटी की भर्ती होगी आपकी, सोल्जर टेक्निकल की होगी, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी की भी वैकेंसी होगी, सोल्जर कलरक, सोल्जर कीपर टेक्निकल होगी, सोल्जर ट्रेड्समैन 10वीं पास और सोल्जर ट्रेड्समैन है वो 8वीं पास की भर्ती होगी। वही बात करें हरियाणा में कौन से पदों की भर्ती होगी, तो हरियाणा में आपके सोल्जर जनरल ड्यूटी की होगी, सोल्जर कलरक, स्टोर कीपर और टेक्निकल की होगी, सोल्जर ट्रेड्समैन 10वीं पास होगी और सोल्जर ट्रेड्समैन 8वीं पास होगी। मतलब यहाँ पे आपके जो नर्सिंग असिस्टेंट की और वेटनरी की वैकेंसी हरियाणा में नहीं होने वाली है। अगर बात करें दोनों जगह होने वाली भर्ती के लिए आयु की बात करें तो दोस्तों सोल्जर जनरल ड्यूटी के बीच में लिए आपकी एज 17.5 से 21 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, जबकि सोल्जर टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पर 17.5 से 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, जबकि सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर आपके 17.5 से 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। वही सोल्जर कलरक की बात करें तो सोल्जर कलरक की 17.5 से 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, जबकि सोल्जर ट्रेड्समैन की अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ पर आपकी 17.5 से 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, जबकि सोल्जर ट्रेड्समैन 8वीं पास की बात करें तो यहाँ पर 17.5 से 23 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पर अब बात करें दोस्तों आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं वेबसाइट से डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड के साथ ही उम्मीदवार को इंडियन आर्मी रैली भर्ती में प्रवेश दिया जाएगा। अब आप अगर आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे तब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा और बिना एडमिट कार्ड आप भर्ती में जा नहीं पाओगे, तो इसलिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। चयन के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले फिजिकल टेस्ट देना होगा, फिजिकल में क्वालिफाई होने वाले अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट होगा और मेडिकल होने वालों का सभी का लिखित परीक्षा होगी। दोस्तों उम्मीदवारों का आवेदन पत्र के साथ साथ उनकी 2 अटेस्टेड फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट और स्कूल का जो करेक्टर सर्टिफिकेट के साथ रैली स्थल पर आपको पहुंचना होगा। तो दोस्तों ये आपकी भर्ती आ चुकी है, अगर आप भी सेना में जाना चाहते हो तो आपके लिए अच्छी खबर है, यहाँ पर 2 रैली भर्ती आपकी आ चुकी है। अब बात करते हैं दोस्तों जिनकी एज 18 से 42 वर्ष है उनके लिए भी जल्दी सेना रैली भर्ती होने वाली है टीए आर्मी की, जिसे टेरिटोरियल आर्मी कहते हैं, प्रादेशिक सेना कहते हैं। जैसे ही आएगी दोस्तों हम जरूर आपको सूचित करेंगे, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हो जरूर कमेंट करके बताएं हमें, ताकि हम आपके राज्य की भी हर प्रकार की अपडेट आप तक पहुंचाते रहे। तो दोस्तों आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल पे आप नए हो तो चैनल भी जरूर जरूर सब्सक्राइब कर, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाले हर प्रकार की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।